इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 22 हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसमें x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 5, लेकिन इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2x माइनस 2 आता है, लेकिन ऊपर x प्लस 3 दे रखा है, इसीलिए उसका हमारे को इस तरह से हमें करना है x प्लस 3 को कि हमारे को x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन मिल जाए, जिसे हम a के साथ मल्टीप्लाई करके निकालते हैं एक वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ, और एक दूसरा कांस्टेंट b लगा देते हैं जो रिमेनिंग पार्ट को दिखाएगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है 2x हो जाएगा और माइनस के 2x का माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2ax और फिर a को माइनस 2 से किया तो माइनस के 2 है, प्लस के b आता है। दोनों साइडों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उनकी तुलना करने पर हम देखते हैं कि एक्स का कोफिशियंट जो राइट साइड में जो है 2a है और लेफ्ट साइड में 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कि इस तरह से a की वैल्यू जो है वो 1/2 यानी कि 1/2 आती है। अब जो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में माइनस के 2a प्लस के b और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है 3, तो माइनस के 2a प्लस b 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि b जो है वो 3 प्लस 2a के इक्वल हुआ। तो a की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी 1/2 वो इसमें रख देते हैं, तो 2 इंटू में 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 आएगा। तो इस तरह से a जो है 1/2 हुआ और b जो है वो 4 होता है। तो x प्लस 3 जो है वो 1/2, a की वैल्यू 1/2 रखते हैं और ब्रैकेट में 2x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 रख देते हैं। तो इस तरह से x प्लस 3 जो है वो 1/2, 2x माइनस 2 और प्लस के 4 के इक्वल है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन जो है उसमें x प्लस 3 की ये वैल्यू जो है हम ऊपर न्यूमरेटर में रख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो इस तरह से करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका एक पार्ट जो है वो अलग होके, क्योंकि डिनोमिनेटर का वो ऊपर इंटीग्रे डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो वो लॉग में इजीली उसका जो है आपका इंटीग्रल आ जाएगा और बचे हुए पार्ट का हम बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 जो है कांस्टेंट था उसे बाहर निकाल दिया और 2x माइनस 2 जो कि नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में ऊपर हो गया। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया और बचा हुआ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 वो हमने लिख दिया। अब I1 और I2 दो हमने इंटीग्रेशन इस तरह से लिए कि I जो है 1/2 I1 प्लस में 4 I2 के इक्वल है, जहाँ पे I1 जो है वो 2x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के इक्वल है और I2 जो है वो 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के इक्वल है। तो हमने यहाँ I1 में जो है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन है इसका, तो हम इसको t मान लेते हैं डिनोमिनेटर को और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जैसे 2x माइनस 2 dx वो dt के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंटीग्रल I1 का जो न्यूमरेटर है वो dt के इक्वल है, तो dt से ये रिप्लेस हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो t है, तो 1 अपॉन में t dt हमारे पास आया, जिसका इंटीग्रेशन log mod t के इक्वल है और प्लस में कांस्टेंट c1 आएगा। तो log t की में t की वैल्यू रखेंगे तो log mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस में कांस्टेंट c1, ये जो है हमारा एक सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम जो है सेकंड जो इसका इंटीग्रल है I2 उसको इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के इक्वल है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को हम अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए वो x का स्क्वायर है, वो कंप्लीट स्क्वायर है, और माइनस में 2 करके x को रखेंगे तो माइनस के 2x तो हो ही गए, तो 1 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे, आप वन का ही स्क्वायर यहाँ पे प्लस करेंगे और माइनस के फाइव में माइनस वन करेंगे, क्योंकि वन हमने एक ऐड किया था तो वन माइनस करेंगे तो माइनस के सिक्स हो गए। तो फर्स्ट थ्री जो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर की वो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जो है इसको रूट सिक्स का स्क्वायर करके लिख देंगे। तो अब अगर हम जो है x माइनस वन को एक वेरिएबल मान लेते हैं तो इसकी जो है जैसे हमने यहाँ वेरिएबल t मान लिया तो इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx जो है वो dt के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हमारा इंटीग्रेशन i2 जो है वो वन अपॉन में t स्क्वायर माइनस में रूट सिक्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि आपका जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका जो है हमारे को इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो उसका फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक्स की जगह टी है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका वन बाई टू और ए, तो ए जो है वो रूट सिक्स है तो वन अपॉन में टू रूट सिक्स हो गया और लॉग जो है वो होगा आपका टी जो है माइनस के रूट सिक्स और टी प्लस के रूट सिक्स यहाँ पर आ जाएगा, इसका मोड हुआ और प्लस में एक कांस्टेंट सी टू आ जाएगा। अब टी की वैल्यू जो है जो कि एक्स माइनस वन के इक्वल है वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास वन अपॉन में टू रूट सिक्स लॉग और फिर मोड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस रूट सिक्स और एक्स माइनस वन प्लस में रूट सिक्स प्लस में कांस्टेंट सी टू आ जाएगा। अब ये जो है हमारा थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों से सेकेंड और थर्ड की वैल्यू जो है अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है आई जो है जो कि हमारा इंटीग्रेशन जो गिवन था उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। तो इसका जो है हमने आई की वैल्यू जो वन अपॉन में टू आई वन प्लस में फोर आई टू है उसमें आई वन और आई टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आई जो है वो हो जाएगा वन अपॉन में टू और फिर आई वन की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस के फाइव और जो प्लस का सी वन है कांस्टेंट था वो भी जो है आपका वन अपॉन में टू सी वन के बराबर हो जाएगा। और दूसरा टर्म है इसकी फोर आई टू, तो यानी कि जो हमने आई टू निकाला है उसे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर इंटू में वन अपॉन में टू रूट सिक्स लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस में रूट सिक्स अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस में रूट सिक्स और प्लस में कांस्टेंट सी टू जो है ये फोर से मल्टीप्लाई होकर फोर सी टू हो गया। अब ये टू से फोर काटेंगे तो टू ऊपर आ जाएगा और हमारे पास आई जो है वो हुआ वन अपॉन में टू लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस के फाइव और दूसरा जो है पार्ट है वो हो गया टू अपॉन में रूट सिक्स और यहाँ मोड ऑफ लॉग एक्स माइनस वन माइनस के रूट सिक्स अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस में रूट सिक्स और जो ये दोनों कांस्टेंट हैं हाफ सी वन और प्लस में फोर सी टू ये मिलके प्लस का एक नया कांस्टेंट सी हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।